किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी जो होता है ये यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब इसका न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज होता है और ये क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। करा इसका लाइफ साइकिल जो है डिवाइडेड होता है दो भागों में, एक होता है स्पोरो डिप्लॉयड जो होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है और जो हैप्लॉयड होता है वो गैमेटोफाइटिक होता है। दो फेज होता है इसमें, एक डिप्लॉयड फेज होता है और एक हैप्लॉयड फेज होता है। जो डिप्लॉयड फेज होता है वो सैप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड फेज जो है ये गैमेटोफाइटिक ये होता है, सैप्रोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। यहाँ पे जो है विच अल्टरनेट विच ईच अदर, एक बार सैप्रोफाइटिक होगा तो एक बार फिर गैमेटोफाइटिक होगा। करें कि किंगडम प्लांटी इंक्लूड इसमें क्या क्या आता है, इसमें अलगा आता है, ब्रायोफाइट्स इसमें आते हैं और टेरिडोफाइट्स आते हैं। इसके अलावा जो है जिम्नोस्पर्म भी किंगडम प्लांटी में आता है और जिम्नोस्पर्म के बाद जो है एंजियोस्पर्म किंगडम प्लांटी में आता है। तो अलगा ये किंगडम प्लांटी में आ गया, ब्रायोफाइटा किंगडम प्लांटी में आ गया और टेरिडोफाइटा आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया और लास्ट में एंजियोस्पर्म आ गया। तो ये हुआ किंगडम प्लांटी के बारे में, प्लांटी के बारे में हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया।